नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 फीट बाय 45 फीट के एरिया की। तो आप देख सकते हैं 18 बाय 45 का आपका एक ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे आपको 3D दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेन गेट लगाया है यहाँ पे वो कंप्लीट ओपन रखा है। यहाँ पे ओपन एरिया 16 फीट 6 इंच बाई 14 फीट कोई 4.5 इंच के अराउंड यहाँ आप देख सकते हैं, बड़ा सा गेट आप लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वाड़ी सब अच्छे से पार्क कर सकते हैं। ये आपका साउथ फेसिंग आपका जो प्लॉट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री डाली है, यहाँ पे एंट्री दी गई है, जो ड्राइंग रूम में एंट्री होती है 13 फीट 6 इंच बाई 12 फीट के अराउंड आपका ड्राइंग रूम है। अंदर से ही सीढ़ियां चढ़ाई गई हैं, यहाँ से आप अच्छे से देख पा रहे हैं। एक बेडरूम नीचे बनाया गया है अराउंड 10.5 फीट बाई 10.5 फीट का, इसी के साथ अटैच किया गया है वॉशरूम एंड ड्रेसिंग रूम यहाँ पे अटैच किया गया है। और पीछे आप देख सकते हैं रियर ओपन छोड़ा गया है 16 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का। क्लियर? तो ये तो हो गया नीचे का पोर्शन। अब यहां से हम ऊपर आएंगे तो लॉबी के अंदर आपकी जो एंट्री होगी यहीं पे सेम बेडरूम के ऊपर बेडरूम बनाया है और यहाँ पे हमने एक वॉशरूम बनाया है और यहाँ पे स्टोर बनाया है जो यहाँ से कॉमन है, अटैच है। और यहाँ पे एक बेडरूम और बनाया है, इस वॉशरूम को यहाँ से भी और यहाँ से भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने एक किचन बनाई है और यहाँ पे है टेरिस, और इस तरीके से आप इसका डिजाइन बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इतने सारे डिजाइन के बाद आपको आइडिया लग ही जाता है कि किस तरीके से आप डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।